अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतर में मुनक़िद होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के इफ्तिताही फंक्शन से मशहूर होने वाले अपाहिज नौजवान गानिम अल मिफ्ताह की डॉक्टर जाकिर नायक से मुलाकात और बातचीत की एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये माजूर नौजवान कौन है? इस वीडियो में आप पूरी बायोग्राफी जानने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। दोस्तों, 20 साल का ये नौजवान जो दिखने में आधे जिस्म से माजूर है, लेकिन इसके अंदर इतने टैलेंट और इतनी सलाहियतें हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। यह नौजवान जो आधे जिस्म से महरूम है, लेकिन कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के स्टेडियम से कुरान पाक की ज़बरदस्त तिलावत करते हुए आधी दुनिया से ज़्यादा लोगों ने अपने स्क्रीन पर इन्हें देखा है। गानिम अल मिफ्ताह यूँ तो अरब मुल्कों में और ख़ास तौर पर खलीजी रियासतों में पहले से ही अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर तकरीबन हर आँख का तारा है, चाहे उन ममालिक के हुक्मरान हों या वहाँ के आवाम, वो सब गानिम अल मिफ्ताह से मोहब्बत रखते हैं। दोस्तों, गानिम अल मिफ्ताह की पैदाइश 5 मई 2002 में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मोहम्मद अल मिफ्ताह के यहाँ अपने जुड़वा भाई अहमद के साथ हुई। प्रेगनेंसी के दौरान गानिम की मां ईमान अहमद डॉक्टर से चेकअप करवाने गई तो डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड के बाद बताया कि बच्चा जुड़वा है और इत्तिफाक ये कि उन दोनों का जिस्म आपस में मिला हुआ है और उनमें से एक बच्चा आधे जिस्म से महरूम है, लिहाजा हमारी राय यह है कि इस हमल को पेट में ही ज़ाय कर दिया जाए। लेकिन बच्चों के वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब अल्लाह ने इनके अंदर सांस डाल दी हैं तो हम कैसे इनकी सांस छीन लें, हम इन बच्चों की डिलीवरी करवाएंगे। और इस तरह गानिम के वालिदैन ने अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी होने का ऐलान कर दिया और गानिम के दुनिया में आने से पहले ज़ाय करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, कुदरत का करिश्मा देखिए कि गानिम जब इस दुनिया में आया तो आधे धर से महरूम था, लेकिन आज अल्लाह ने उनके अंदर वो सलाहियतें रखी हैं जिनकी बुनियाद पर ये दुनिया के करोड़ों सेहतमंद नौजवानों से बेहतर है। फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताही फंक्शन के बाद से अल्लाह ने इनकी शोहरत में इतना इजाफा किया कि अरब दुनिया के बाहर भी तकरीबन पूरी दुनिया इन्हें जानने लगी है। गानिम आम बच्चों से बेहतर दुनिया के कई खेल खेल सकता है, चाहे वो फुटबॉल हो जिसे गानिम हाथों से खेलता है, चाहे घुड़सवारी हो, बॉक्सिंग हो, स्विंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, यहाँ तक कि वो ड्राइविंग भी करता है। गानिम अल मिफ्ताह ने अपनी छोटी उम्र में ही कई आलमी अवार्ड हासिल किए हैं। दुनिया के कई आलमी इदारों और बैंकों ने गानिम को अपना ब्रांड एम्बेसडर का दर्जा भी दिया है और कतर, कुवैत जैसे मुल्कों की निसाबी किताबों में गानिम अल मिफ्ताह के बारे में स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। अरब दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस गानिम को अपने यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाती है और गानिम की स्पीच अरबिक इंग्लिश जबानों में होती है। गानिम ने हाल ही में उमरे की सआदत भी हासिल की है जहाँ उसने व्हील चेयर के बगैर अपने हाथों से चलकर ही तवाफ काबा मुकम्मल किए। उनका ये कारनामा भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और सऊदी हुक्मरान भी उनसे मुलाकात करने के लिए हरम शरीफ आए थे। दोस्तों, जहां गानिम अल मिफ्ताह के इतने सारे कारनामे हैं, वहीं उसने बिजनेस की दुनिया में भी अपना लोहा मनवाया है। कतर में उनकी अपनी आइसक्रीम की कंपनी चल रही है जिसके बहुत सारे ब्रांचेज मुख्तलिफ शहरों में हैं। गानिम अल मिफ्ताह को अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत और सहरंगेज आवाज़ से भी नवाजा है। जब यह कुरान पाक की तिलावत करता है तो मजलिस में एक सन्नाटा छा जाता है और हर सुनने वाले के दिलों पर कुरान की तिलावत का असर होता है। गानिम अल मिफ्ताह आज के हर उस नौजवान के लिए एक बेहतरीन मिसाल है जो अपने हौसलों से ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं, अपने जज्बों से मंजिलें हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, ये गानिम अल मिफ्ताह की मुख्तसर सी बायोग्राफी थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमारे नौजवानों के अंदर बेहतरीन सलाहियतें पैदा फरमाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।